मीटिंग उधर नहीं है, इधर इधर है। सर से भी उम्मीद है कि उनका गिरफ्तार ताऊ हमेशा उनके हासिल रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे अजाय में कामयाबी और जैसा कि मैं विद्यार्थी विद्यालय की जाने से तमाम स्कूल की जाने से मैं इस्तीफा करता हूँ और हमने इस स्कूल का नाम हजरत हुसैन मेमोरियल प्राइमरी स्कूल के नाम से मौजूद किया और चूँकि हजरत हुसैन साहब के बाद मोहतरम अशफाक अहमद साहब ने उस काम को आगे बढ़ाया जो उसका वारस अगर वो डिसिप्लिन अगर नहीं रहता था तो
श्रेष्ठ मधुर हमारे नए जनाब इम्तियाज़ साहब, तमाम डिग्निटरीज और हमारी कौमों की बीमार, हमारी कौम की बीमार जनाब ये आमतौर से प्रोटोकॉल के खिलाफ होता है किसी भी सियासी पार्टी में कि जिसका सदर महाराष्ट्र, जिसका टाइम स्टेट मौजूद हो उसका शायद सदर बात करें। लेकिन यकीन जानिए कि महाराष्ट्र में एम पी इम्तियाज़ जलील साहब ने सियासत की परिभाषा, सियासत का पूरा एक जो रिवायतें थी उन तमाम रिवायतों को तोड़ दिया है। ये हमारे ऐसे शायद हैं जिन्होंने हमेशा नौजवानों को आगे करने की कोशिश की है, जिसकी एक मिसाल आपके सामने मैं यहाँ मौजूद हूँ। सर, यहाँ पर लंबी गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है, आपको सुनने के लिए लोग बेताब है, लेकिन आप चूँकि यहाँ पर मौजूद हैं तो आपके रेफरेंस में हमारे को एक फ़ायदा हम चाहते हैं कि इसका स्कूल में एडमिशन की बड़ी तगड़ो रहती है, बहुत टेंशन होते हैं, कई कई दिन मेरे को फ़ोन भी बंद करना पड़ती है, लेकिन अब एम पी इम्तियाज़ जलील साहब आए तो सोसाइटी मजलिस इत्यादि मुस्लिमों के लिए कोई स्पेशल कोटा रखे, ऐसी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुक्रिया अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें।